हेलो फ्रेंड्स, तो ये रीडिंग है कर्क यानी कैंसर राशि वालों की। ठीक है, देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है इस हफ्ते। कर्क यानी कैंसर राशि वालों का लव लाइफ कैसे रहने वाला है, गाइड करिए यूनिवर्स हमें ट्रू मैसेज। इस हफ्ते मेरे कैंसर यानी कर्क राशि वालों का लव लाइफ कैसे रहने वाला है, हमें इनके और इनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग बताए इस हफ्ते के एक दूसरे के लिए। क्या कुछ निकल के आता है देखते हैं। एकदम हैप्पी रहे, ओके। ऊपर आपके कार्ड है, नीचे आपके पार्टनर के। ठीक है, द एम्प्रेस आपकी साइड से आया है, द हाई प्रिस्टेस आप ही की साइड से है, नाइन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ वैंड्स। ओके, गाइड कर रही हूँ, समय बताएं इनके पार्टनर की इस हफ्ते की फीलिंग्स इनके लिए क्या रहने वाली है। ट्रू मैसेजेस दे इस हफ्ते इनके पार्टनर की फीलिंग्स इनके लिए। किंग ऑफ सोर्स, थ्री ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ पेंटाकल्स, हैंग्ड मैन। तो आपके पार्टनर तो फिर से हैंग्ड है बहुत ज़्यादा। कितना हैंग रहेंगे, डेफिनेटली इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क ज़रूर करना चाहेंगे इस हफ्ते। ठीक है, मेहनत डालना चाहते हैं, अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना चाहते हैं, या आपको कभी भी खोना नहीं चाहते। ठीक है, इनको पता है आप एक एम्प्रेस हो। ठीक है, यहाँ पे नंबर 999 आपके पार्टनर के बर्थडे में हो सकता है, 777 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, 333। ठीक है, तो इस हफ्ते आपका इस तरह से है ना कि आपको ऐसा लगता है कि शायद आप आपके पार्टनर के सामने ना कभी जीत ही नहीं पाए। जब आप पहले भी उनसे बातें करते थे तब भी नहीं जीत पाते थे, और अब भी नहीं। मतलब अगर आप उनको कॉल मैसेजेस करते हो तो आपको रिप्लाई नहीं करते, और अगर उनका कुछ कॉल मैसेज आया है रिसेंटली तो आपने शायद उनको रिप्लाई नहीं किया है, क्योंकि आप जो है कुछ सवालों के आंसर्स उनको नहीं देना चाहते हो। आप जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो, मुझे दिखाई दे रहे हो, जो भी है अब इस तरह से कि आपको कंट्रोल नहीं हो रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर के लाइफ में जो है जो भी थर्ड पार्टी है उस थर्ड पार्टी के साथ आपको मैनेज नहीं करना है, इसलिए अगर इनकी तरफ से आपके लिए एक्शन भी आएगा ना तो आप इस तरह से दिखाओगे उनको कि मतलब जल्दी शायद रिप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि आपके पार्टनर भी आपको जल्दी रिप्लाई नहीं करते हैं। तो अगर इनकी तरफ से आपको कोई एक्शन आता है, जो कि मुझे यहाँ पे फील हो रहा है आने के चांसेस है, ठीक है, लेकिन आप अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे कि नहीं मुझे बात नहीं करनी है तुझसे, बहुत हो गया। आप इस तरह से अगर आप इनसे बात करते हो, अगर आप इनको खुद होकर कॉल मैसेज करते हो तो आपको ना ये इस तरह से दिखाते हैं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मेरी लाइफ में हैप्पी हूँ, और जैसे कि इनको देख के आपको ये फील भी होता है। ठीक है, और ये आपके नेगेटिव थॉट्स है जो कि आपके पार्टनर को लेके इस हफ्ते बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपके लिए उनकी फैमिली में स्टैंड ले, कुछ बताए अगर ये अनमैरिड पर्सन है तो। ठीक है, और अगर नहीं भी है ना फिर भी आपको इस तरह से फील होता है कि अगर ये मुझसे प्यार करता है तो ये मेरे पास आता क्यों नहीं है, ये मुझे इतना बोलता है कि नहीं मैं तो तुझसे ही प्यार करता हूँ, जो भी थर्ड पार्टी है उसके साथ तो मेरा कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं, मतलब कोई रिलेशन ही नहीं, मैं प्यार ही नहीं करता उससे, बात तक नहीं करता, ऐसा आपको अगर बताया जाता है तो फिर ये मेरे लिए स्टैंड क्यों नहीं लेता। आप इस तरह से बहुत ज़्यादा सोचोगे, और आप जो है मुझे इस हफ्ते बहुत ज़्यादा ईगो में नज़र आ रहे हो। ईगो मतलब कि जो आपने पहले आप जो कि एकदम केयरिंग कनेक्शन देते थे, बहुत प्यार देते थे, बहुत सब कुछ आपने इमोशनल होके देख लिया, उनके लिए रो के देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन जो कि आपके पार्टनर का दिल आपके लिए नहीं पिघला, और इसी वजह से जो भी इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपने जो है एक एम्प्रेस की पोजीशन हासिल कर ली है, अभी आप जो है स्ट्रिक्ट बन चुके हो, आपको अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल पाना अच्छे से आ चुका है, और जो कि आप फाइनेंशियली भी मुझे ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हो, आपका करियर भी मुझे अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि आप इस तरह से फील करोगी जो कि आप इस तरह से फील करोगे कि अब मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे तुझे मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं भी हैप्पी हूँ मेरी लाइफ में, मैं भी एंजॉय कर रही हूँ। आप इस तरह से दिखाने वाले हो इस हफ्ते आपके पार्टनर को, जो कि वो देख पाएंगे, और जिसकी वजह से जो है उनके अंदर एक जेलसी फील होगी। जेलसी फील होने की वजह से जो है वो ना इस तरह से देखेंगे, देखो इनके तो स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, जब से इन्होंने आपको डिस्टेंस दिया तब से इनका जो भगवान के ऊपर विश्वास बढ़ चुका है बहुत ज़्यादा, जैसे कि भगवान की पूजा करते हैं और भगवान से आपको मांगते हैं, लेकिन
मांगेंगे इस तरह से कि भगवान मेरी ये जो भी एम्प्रेस है, मतलब कि आप जो है थर्ड पार्टी के साथ किस तरह से बैलेंस करोगे, किस तरह से आप मैनेज कर सकोगे, ये इस तरह से भगवान को बता रहे हैं कि आपको कुछ अच्छा दिमाग दे भगवान, कि जो आप इनकी बातें मानने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि ये तो इस रिलेशनशिप में अपनी बातें मनवाए बिना आगे जाने वाले ही नहीं है। ठीक है, भले आपको और इंतज़ार कराएंगे, भले आप अभी एम्प्रेस बन चुके हों और आपको और ज़्यादा सक्सेसफुल बनता हुआ देखेंगे और बहुत ज़्यादा जलेंगे भी, लेकिन एक्शन वो तभी लेंगे आपके लिए जब आप, जैसे कि बोला मैंने, एफर्ट बहुत डालना चाहेंगे, मेहनत भी करना चाहेंगे, आपको ये स्टेबल रिलेशनशिप देना भी चाहते हैं, लेकिन करेंगे तो अपने मन के जैसे। तो ये इस तरह से कि तू अगर मेरी बातें मानती है, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा अगर तू करती है, तो मैं इस रिश्ते में आने के लिए रेडी हूँ। लेकिन इनको ये फील होगा कि नहीं, आप ऐसा नहीं मानने वाले हो, और इसलिए ना इनका दिल करने के बावजूद भी इतना दिल है एफर्ट्स डालने का, लेकिन ये आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये रुके हुए हैं, क्योंकि इनका दिमाग काम ही नहीं कर रहा है कि आप तो इनकी बातें नहीं मान रहे हो, तो मैं करूँ तो करूँ क्या। लेकिन इनका ऐसे ही है कि आपको ना अपने कंडीशंस के ऊपर ही मैनेज करना चाहते हैं, जो कि इनको इस तरह से फील हो रहा है कि अब तो आप इतने स्ट्रांग बन चुके हो कि आप तो मतलब हर साइड में बैलेंस्ड हो चुके हो। ठीक है, आप अभी इतने स्ट्रांग हो कि आप बैठे बैठे किसी से भी अपना कोई भी काम करा सकते हो, इतने स्ट्रांग अभी आप बन चुके हो, और यही फीलिंग आपकी सबसे रहने वाली है। ठीक है, आप अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखोगे, उनको स्टॉक भी करोगे, लेकिन जो कि उनको दिखाओगे नहीं। ठीक है, कि मुझे तुझ में इतना इंटरेस्ट आज भी है, ऐसे आप दिखाने वाले नहीं हो। ठीक है, हम देखते हैं रोमांस एंजल्स से आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। गाइड करे यूनिवर्स, अच्छा हमें बताया मेरे व्यूअर्स को इस पर क्या जानने की ज़रूरत है। देखते हैं क्या निकल के आता है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इसलिए आप इनसे जो है बिल्कुल भी मूव ऑन नहीं हो पाते हो। ठीक है, आप खुद देख सकते हो, आप पहले से पिछले जन्म से एक दूसरे को जानते हो। ओके, और देख लेते हैं ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ लाइफ टाइम, आपका एक दूसरे से सच्चा प्यार है, भले ही इन्होंने आपके साथ जो भी किया है, अपने कंडीशंस के ऊपर रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये आपसे प्यार सच्चा करते हैं। ठीक है, अगर इन्होंने आपसे पास में मूव ऑन भी किया था ना, वो अपने दिल से नहीं किया था, क्योंकि ये प्यार तो आपसे सच्चा करते हैं, राइट। तो यहाँ पे है ट्रू लव, आप दोनों एक दूसरे से एकदम एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। ठीक है, दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेड द रोमांटिक पार्टनर यू सीक, आप अपने रोमांटिक पार्टनर से मिल चुके हो, जिसके लिए आप पागल हो सकते हो। ठीक है, जिसके लिए जो है आप मतलब रियल वाली फीलिंग्स महसूस करते हो। ठीक है, उनसे आप मिल चुके हो, मुझे लग रहा है कि शायद इनका एक्शन आपको आ चुका है, इन्होंने आपसे कुछ पूछ लिया है, जो कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो, मुझे ये सब दिखाई दे रहे हो, चांसेस बनते हैं। ठीक है, और बॉटम में यहाँ पे कोडिपेंडेंसी एडिक्शन आर अफेक्टिंग यूर रोमांटिक लाइफ, अगर आप एक दूसरे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कोडिपेंडेंट हो सेक्सुअली, जैसे कि एक दूसरे के बिना जी नहीं पाते हो, सेक्स का एडिक्शन हो चुका है, या तो बहुत ज़्यादा बातें करने की आदत लग चुकी है, चैटिंग करने की आदत लग चुकी है, रोज़ आवाज़ सुननी ही सुननी है, रोज़ फेस देखना ही देखना है, अगर ऐसे आपके कुछ हालात हैं ना, तो शायद इसी वजह से यूनिवर्स ने आपको इस वक्त जो है एक दूसरे से दूर कर दिया है। ठीक है, तो इसी वजह से आपका ये रिलेशनशिप जो है अफेक्ट हुआ है, ऐसे आपको यूनिवर्स बता रहे हैं। तो यस, यही है इस हफ्ते की आपके एनर्जीज। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।